Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. कराची में फिर खातून पर हमला। जौहराबाद में मुलजिम ने लड़की को तेज धार आले से जख्मी कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने जौहराबाद और गुलसाए जौहर के वाकियात में मुशाबहत जाहिर कर दी। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर ने सिया हेलमेट पहन रखा था। हमारा मुतालबा यही है कि हमारा मिलने चलाई जान, गन्ने का रेट 250 रुपए मान किया जाए। लाहौर में किसान इत्तेहाद का मुतालबा के हक में लाहौर के एंट्री प्वाइंट ठोकर न्याज बेग पर धरना। काश्तकारों ने आज पंजाब असेंबली के सामने एहतजाज का ऐलान कर रखा है। इंतजामिया ने एहतजाज रोकने के लिए कंटेनर्स लगा दिए। खैबर पख्तूनख्वा के असातिज़ा मुतालबात की मंजूरी के लिए आज बनी गाला में धरना देंगे। एक्शन कमेटी के अरकान बनी गाला में मौजूद। मुख्तलिफ अजला से असातिज़ा काफिलों की शक्ल में बनी गाला पहुँचेंगे। सूबे के कॉलेजेस में असातिज़ा की हड़ताल के बाइस 8 रोज से तदरीस मुअत्तल है। असातिज़ा की हड़ताल से तुलबा तंग आ गए। पेशावर में रैली। तुलबा का कहना है कि उनकी तालीम का हर्ज हो रहा है, नुकसान कौन पूरा करेगा। अपने मफाद के पीछे लगे हुए हैं और हमें ये सिर्फ शो कर रहे हैं कि भाई ये प्राइवेटाइज हो रहे हैं, आपसे फिर हजारों में फीस लेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो सब वो नहीं है। 12 बजे फिर चले जाते हैं ना, टीचर ये कहते हैं कि कोई क्लास ले लेंगे, बस अपनी तनख्वाह के लिए निकले हुए हैं। कभी बनी गाला जाते, कभी इस्लामाबाद जाते हैं। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के नाकाबले जमानत वारंट गिरफ्तारी का हुक्मनामा इस्लामाबाद पुलिस को भेज दिया। एसएसपी ऑपरेशन को 26 अक्टूबर को इमरान खान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इमरान खान पहले ही 26 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन में पेश होने का ऐलान कर चुके हैं। अकामे वाले वजीर आजम के कहने पर अदालत से रेंजर्स को हटाया गया और फिर हमला कर दिया गया, रिकॉर्ड जला दिया गया। बाबर आवान का इल्जाम, कहा ना अहल हुक्मरान जाते जाते मुल्क पर कर्जों का वो बोझ छोड़कर जाएंगे जिससे महंगाई सातवें आसमान पर जा पहुंचेगी। तो ये पाकिस्तान को ऐसा धक्का मार के जाएगी कि पाकिस्तान में ना गुर्बत खत्म हो सके और ना इदारे बहाल हो सके और सारा कुछ फरोख्त हो जाए। अवाम यू टर्न लेने की आर्मी रिकॉर्ड बनाने वालों को पहचान चुके। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की तनकीद, कहा धरने का शौकीन ग्रुप मनफी रवैया तब्दील करे, अवाम को खोखले नारों से धोखा नहीं दिया जा सकता। अक्वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मलीहा लोधी कहती हैं अमरीका की मुखालफत के बावजूद पाकिस्तान अक्वामे मुत्तहिदा की इंसानी हकूक काउंसिल का रुकन मुंतखब हुआ। कामयाबी अक्वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान के किरदार की तौसीफ और इस बात का सबूत है कि दुनिया में पाकिस्तान तन्हा नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की रियाद में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात से मुतालिक अमूर पर बातचीत। लाहौर हाई कोर्ट में तुर्क फैमिली की मुल्क बदरी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने पाकिस्तान में रिहाइश पजीर तमाम तुर्क शहरियों की तफसीलात तलब कर ली। अदालती हुक्म के बावजूद तुर्क फैमिली को मुल्क बदर कर दिया गया, दरख्वास्त गुजार के वकील का मौक़िफ़। सजाए मौत केस में 12 साल जेल काटने वाले कमर जमान को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। झूठे गवाह बनाए जाते हैं फिर कहते हैं अदालत ने इंसाफ नहीं किया, झूठी गवाही देना असल जुल्म है, जस्टिस आसिफ सईद खोसा के रिमार्क्स। कंदील बलोच कत्ल केस में बुरी जमानत के लिए मुफ्ती अब्दुल कवी सेशन कोर्ट मुल्तान में पेश, वारंट गिरफ्तारी मनसूख करने की इस्तदा, कहते हैं पुलिस से तावन किया अदलिया से भी करेंगे, अदालत जो भी फैसला करेगी कबूल होगा। रायवन में तहसील अस्पताल की लेडी डॉक्टर की संगीन गलती, हमला खातून को दाखिल करने से इनकार कर दिया, डिलीवरी के लिए एक हफ्ते बाद की तारीख दे दी, वापसी पर खातून ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दिया। पैसे दो फिर कहीं भी कब्जा कर लो, कराची की स्कीम 33 लैंड माफिया का गढ़ बन गई।
23 एकड़ सरकारी जमीन पर तीसरी बार जाली सोसाइटी बन गई। आज न्यूज की खबर पर इंतजामिया हरकत में आई तो जाली सोसाइटी में जारी काम बंद करा दिया गया।